हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने LKG की मैथ्स की वर्कशीट लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने काउंटिंग और शेप्स और नंबर नेम्स इन सब के बारे में डिस्कस किया था कि बच्चों को किस तरीके से आपको लर्न कराना है और किस तरीके से बच्चा सीखेगा। आज हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ की। मैंने इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ तैयार की हैं जिससे कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव हो सके और वो बच्चा जो है काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इनको करेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें काउंट द रेड हर्ट्स एंड राइट द नंबर्स। यहाँ पे मैंने हर्ट की शेप्स बनाई हैं अलग अलग कलर से। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, सिर्फ रेड हर्ट्स को काउंट करना है और उसके जो रेड हर्ट होंगे उनको काउंट करके इस बिग हर्ट में लिखना है। तो इससे क्या होगा, काउंटिंग बच्चे ने सीखी हुई है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ उसको करना है। तो यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 हर्ट्स, ये हो गए हमारे रेड हर्ट्स। नेक्स्ट आता है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल द नंबर। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, इनको बच्चों को क्या करना है, काउंट करना है और यहाँ पर जो इसका नंबर मैच होगा उसको वो सर्कल कर देगा। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप कराइए। नेक्स्ट आता है इसमें काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ लीव्स। यहाँ पे मैंने 2 ट्री बनाए हुए हैं इस तरीके से और इसमें लीव्स शो की हुई है, तो जो लीव्स गिरी हुई है नीचे ये बच्चे को काउंट कर, काउंट करके यहाँ पर वो नंबर लिखेगा। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे क्या जाएगा 12 लीव्स। सेम ऐसे यहाँ पे करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप ये एक्टिविटी भी बच्चों को करा सकते हैं। आप इसमें यहाँ पे मैंने ट्री बनाया है, आप यहाँ पे कुछ और भी शेप बनाकर बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलर द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की पिक्चर ड्रॉ की है, अब उसके बीच में मैंने नंबर लिख दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आप बच्चे को क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करना है। जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, 8, 5, 10, 2, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 2, तो बच्चे को इस वाले फ्लावर में सिर्फ कलर करना है। तो बच्चा क्या करेगा, इस फ्लावर में कलर कर देगा। इस तरीके से, तो ये एक्टिविटी भी काफ़ी मतलब इम्प्रूव कराती है। मैंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर का लिखा था, आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर का भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैच द शेप्स विद देयर ऑब्जेक्ट्स। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक साइड शेप्स बना दी है, दूसरी साइड उससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स बना दिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या बनी हुई है शेप, स्क्वायर, तो उससे मिलता जुलता यहाँ पे चेस्ट की शेप फॉर्म में बनाया मैंने, तो इस तरीके से यहाँ पे मैच कर देगा। उसके बाद सर्कल, सर्कल को मैच कर देगा, बटन की शेप में बनाया मैंने। यहाँ पे ट्राइंगल है, ये हैंगर इस तरीके से, और ये ओवल शेप है, तो ये ओवल शेप हो गई। और उसके बाद ये रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप हो गई। तो आप इस तरह की एक्टिविटी भी करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैच विद नंबर नेम्स। यहाँ पे क्या है, एक साइड नंबर नेम्स डाल दिए हैं, दूसरी तरफ नंबर नंबर लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, इसमें नंबर्स को मैच करना है। तो 2 लिखा है, 2 सर्च करेगा, 4, 4, 7, 7, 12, 12, तो इस तरीके से आप कराइएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसमें ड्रॉ एंड कलर द पैटर्न्स एज पर गिवन लेफ्ट साइड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड में ट्राइंगल की शेप में कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं और उन्हें कलर भी किया हुआ है। यहाँ पे जैसे मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू, फिर उसके बाद ब्लू ऊपर आ गया, तो ब्लू, रेड, ग्रीन, फिर उसके बाद ग्रीन ऊपर आ गया, ग्रीन, ब्लू, रेड, तो मैंने एक साइक्लिक ऑर्डर में
सारे जो सर्कल्स हैं उनको चेंज किया है। अब बच्चे को क्या करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि आगे चलकर उन्हें पैटर्न्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस तरीके से स्टार्ट भी करेगा, करना सीखेगा भी, और साथ के साथ इससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। स्टार्टिंग में अगर बच्चा थोड़ा गलत भी करता है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कलर है तो यहाँ पे वो शेप थोड़ा गलत कर रहा है या ड्रॉ करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप धीरे धीरे कराइए तो वो सीख जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे रेड है तो यहाँ पे पहले उसे ड्रॉ करवाइए और फिर उसमें वो कलर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन बोला है तो ग्रीन और ब्लू करना है तो ब्लू, इस तरीके से बच्चे को कराइए। तो बच्चा क्या करेगा नेक्स्ट टाइम, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि गड़बड़ करे, बट बाद में वो धीरे धीरे सीख जाएगा। ये एक्टिविटी बहुत यूजफुल होती है कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने में। नेक्स्ट आता है लुक एट द नंबर एंड कलर द इमेजेस। यहाँ पे एक साइड में मैंने नंबर बना लिया है, अब दूसरी साइड में मैंने उसकी पिक्चर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो बच्चे को पहले पूछना है कि यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, तो बता देगा 3 लिखा है, तो क्या करना है उसको 3 इमेजेस पे कलर करना है। तो आप ये वाली एक्टिविटी भी घर में आराम से करा सकते हैं, बच्चा इस वाली एक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कलर द शेप्स एज पर गिवन। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, शेप बनाई हुई है और उसके सामने ये भी बताया हुआ है कि कौन सा कलर करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कलर द ट्राइंगल एज पिंक, तो ट्राइंगल शेप बनाई हुई है और उसको कलर क्या बताया हुआ है, पिंक कलर करना है। तो बच्चा ये भी बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है, सबसे पहले वो कलर पहले वो शेप ढूंढेगा कि कौन सी वाली शेप है, जैसे ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये डायमंड है, उसके बाद ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल को कलर करना है पिंक, तो बच्चा इसको पिंक कलर कर देगा। उसके बाद आता है कलर द सर्कल एज ऑरेंज। यहाँ पे क्या करना है, सर्कल करना है, सर्कल को ऑरेंज कलर करना है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर से फिल कर देगा। उसके बाद आता है कलर द डायमंड एज रेड, यहाँ पे रेड कलर करना है, तो डायमंड शेप ढूंढेगा पहले, सर्च करेगा और यहाँ पे उसको फिर रेड कलर कर देगा। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है बच्चों को, एक तो शेप्स भी लर्न हो रही हैं इससे, उसको कलर भी लर्न हो रहे हैं कि कौन सा कलर कहाँ पर फिल करना है, कलर नेम्स भी याद हो रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये एक्टिविटी। लास्ट एक्टिविटी आती है काउंट द साइड्स ऑफ शेप्स। जैसे कि बच्चे ने शेप्स लर्न कर ली कि कौन सी शेप को क्या बोलते हैं, ये सब उसने लर्न कर लिया है, तो अब आती है बारी साइड्स की, कि बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी शेप में कितनी साइड्स होती हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, तो सर्कल के सामने मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, तो यहाँ से बच्चे को ढूंढना है कि कितनी साइड्स होती हैं, तो सर्कल में कोई साइड नहीं होती, तो यहाँ पे जीरो पे गोला लगा देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 1, 2, 3 या 4, 3 साइड्स होती हैं तो गोला लगा देगा। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर की शेप बनाई है मैंने, तो 4, 3, 2, 0 कितनी शेप्स साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4 4 साइड्स होती हैं, इस तरीके से करेगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे सर्च करेगा 6, यहाँ पे सर्कल कर देगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 6, 5 तो यहाँ पे 5 को सर्कल कर देगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को साइड्स भी लर्न करा सकते हैं। अगर आप बच्चों को इस तरीके से एलपीजी की वर्कशीट में काम कराते हैं तो एक तो बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, बच्चों की लर्निंग स्किल्स बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।